खबर है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से, जहां तीसरे चरण के पंचायत चुनाव 2021 के प्रथम चरण का मतदान जनपद में सकुशल संपन्न हो गया। पूरे मतदान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम आरका अखोरी व एसपी रामबदन सिंह क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहे। वहीं मतदान शुरू होने से समाप्त होने तक जनपद के विधानसभाओं में बूथों का जायजा लेते रहे। आपको बता दें, चुनावी भ्रमण के दौरान कुशलता आदि की जानकारी लेने के साथ साथ कतारों में लगे मतदाताओं का भी उत्साहवर्धन करते रहे। इसके अलावा मतदान को लेकर वोटरों में भी खास उत्साह देखने को मिला। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसके चलते मतदान शांतिपूर्ण रूप से चलता रहा। वहीं शाम 5 बजे तक जिले के 6 विकास खंडों में 57% से अधिक मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गुरुवार को जैसे ही सुबह के 7 बजे, तभी धीरे धीरे सभी मतदाता बूथों की ओर दिखने लगे। डीएम मतदान शुरू होने से 1 घंटा पहले ही जनपद के समस्त ब्लॉकों की प्रक्रिया का जायजा लेने निकल पड़े। वहीं मतदान शुरू होने के बाद जिला अधिकारी बीच विकास खंड की तरफ निकल गए। उसके बाद करीब आधा दर्जन बूथों को देखने के बाद औराई, भदोही, अबोली, अम्बोली, ज्ञानपुर ब्लॉकों में भी गए। जिलाधिकारी ने वहां के बने बूथों को देखा तथा लाइन में लगे कुछ मतदाताओं का परिचय पत्र भी चेक किया। वहीं चुनाव के अंतिम समय तक कई बूथों पर भी मतदाताओं की कतार लगी रही तथा कई बूथों पर तो करीब 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वृद्ध भी वोट देने के लिए घर से निकले। आपको बता दें, मतदान के दौरान विंध्याचल मंडल मिर्जापुर श्री योगेश्वर राम मिश्रा DIG जे रविंद्र गोंडा ने जनपद भदोही में हो रहे मतदान केंद्र जंगीगंज का औचक निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी महोदय आरके अखोरी एवं पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कई बूथों पर भ्रमण करते हुए ब्लॉक डी ग्राम सभा बनवट उपरवार में ग्राम पंचायत प्रधान चुनाव को स्थगित कराया गया, क्योंकि ग्राम प्रधान प्रत्याशी नगेंद्र सिंह का निधन हो जाने के कारण सेक्टर मैनेजर द्वारा मतदान को स्थगित कराया गया। सभी प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं, पार्टियां देख रहे हैं, आपके सामने रवाना हो रही हैं, और मुझे लगता है 1 घंटे में सभी ब्लॉक से, क्योंकि मैंने और DMM ने चक्कर ले लिया है, देख लिया सब जगह, ऑलमोस्ट सभी पार्टियां 2 बजे तक अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगी। और सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है, सारी क्लस्टर मोबाइल, सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, सभी अपनी अपनी ड्यूटियों को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। हमारे यहाँ जो क्लस्टर मोबाइल लगाई गई हैं, उन्होंने अपने अपने मतदान केंद्र देख लिए हैं। लगभग हर 10 मतदान केंद्र पर एक क्लस्टर मोबाइल लगाई गई है, और जो मतदान कर्मी फोर्स के हैं वो तो लगाए ही गए हैं। तो चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग करवाएंगे, और जो भी इसमें व्यवधान डालेगा उससे सख्ती से निपटेंगे। और ये भी आपकी तरफ से मैसेज जाए कि बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स को जो छुएगा उसको गोली मार दी जाएगी। सर, संवेदनशील जो बूथ हैं उन पे मतलब किस तरह से? देखिए, हमने तो सभी को संवेदनशील मान रखा है, हमारे लिए चाहे सामान्य हो, संवेदनशील है, हम सबको संवेदनशील मानते हैं, और सभी पर बहुत अच्छे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता से ये चुनाव सम्पन्न हो सके। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।